Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to start 6th part of the chapter, that is India's external relation. In last class we have discussed the reasons behind the bilateral relationship between India and China, and today we are going to discuss in detail what were the consequences of those relations. And till now also we are able to see the impact of that particular thing. Okay, in last class basically we have discussed all of the context related to Tibet, right? And we were able to understand that what was the position at that time, for what China was claiming India, that India was helping their enemies, and because basically India has given shelter to the spiritual leader of Tibet, Dalai Lama. That's why it created a, you can say, very kind of a strange kind of relationship, or that you can say very bad relationship between India and China, right? So here what is given to you, yahan par dekho, ye aapko Chinese leader dikh rahe hain, yahan par aapko Pandit Jawaharlal Nehru dikh rahe hain. Wo dekho unko kya bol rahe hain ki look, if any untoward incident occurs, now the responsibility will be entirely yours. Kyunki dekho humne kya kiya hua hai, hum log dekho na, Indian territory, ye sari ki sari cheeze aapko dikh rahi hain, है ना? अब ये आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है कि चाइनीज लीडर, व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो, बिकॉज वी हैव गिवन शेल्टर टू द दलाई लामा, हु वाज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ, हु वाज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत, वी हैव गिवन हिम शेल्टर. सो नाउ द पीपल ऑफ चाइना आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग अगेंस्ट दैम, बिकॉज वी आर गिविंग शेल्टर टू देयर एनिमीज. एंड इफ वी आर गिविंग शेल्टर्स टू देयर एनिमी, सो इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर अगेंस्ट द चाइना, है ना? इसलिए अब देखो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए चाइनीज पीपल, दे आर ट्राइंग टू से कि अब चाहे जो भी कुछ हो कंट्री में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप लोग हो, मतलब इंडिया रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट? बट फिर क्या हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना इरप्टेड इन 1960, टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड माओ त्से-तुंग प्रूव फ्यूटाइल. यानी कि यहाँ पर क्या पोजिशन हुई कि हम लोगों ने कोशिश की कि रिलेशनशिप अच्छे बने रहे, बट ऑल द थिंग्स, ऑल द टॉक्स, दे वर कम्प्लीटली वेस्ट. मतलब यहाँ से हमारे रिलेशनशिप में जो कहीं ना कहीं जो उसकी रूट्स थी ना, वो खराब हो चुकी हैं, राइट? वो रूट्स हैं वो सोर हो चुकी हैं, एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ से हमारे रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं. अब हम रीड करेंगे वॉर जो 1962 में, अब हमारी टेरिटरी को, टेरिटरी के ऊपर यू कैन से अटैक करेगा चाइना टू टेक द रिवेंज. ओके, देखो मैंने आप लोगों को एक कोटेशन बताई थी, हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदी चीनी बाय बाय. मतलब हमारे जो रिलेशनशिप थे ना, वो क्या हो गए, वो अब खराब हो चुके हैं. जहां भाई भाई, मतलब ब्रदर ब्रदर वर्ड यूज करें, उसके लिए बाय बाय वर्ड यूज हो रहा है कि नाउ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नाउ ओनली बाय बाय. ओके, यहाँ पे क्या कंटेक्स्ट गिवन है, यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट गिवन है वे के कृष्णा मेनन, वो क्या पर्सन थे, डिप्लोमैट एंड मिनिस्टर, एक्टिव इन द लेबर पार्टी इन द यूके बिटवीन 1934 to 1947, इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके, एंड लेटर हेड ऑफ इंडियाज डेलीगेशन टू यूएन, राज्यसभा एमपी, मतलब इतने टाइप की इनके पास अथॉरिटीज थी. उसके बाद एंड लेटर लोकसभा एमपी, मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 1956, डिफेंस मिनिस्टर सिंस 1957, डिफेंस मिनिस्टर थे वी के कृष्णा मेनन. बट फिर क्या हुआ, कंसीडर्ड वेरी क्लोज टू नेहरू, रिजाइंड आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन 1962. उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यस, मैं मतलब वो क्या नहीं कर पाए, हम लोग डिफेंस मिनिस्टर थे ना, तो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री थी तो वो इंडिया क्योंकि इस वॉर में हार जाएगा, तो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही रिजाइन फ्रॉम हिज अथॉरिटी. फाइन, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मली द चाइनीज इन्वेजन, मतलब चाइना ने जो अटैक किया हमारे ऊपर 1962 में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. फाइन, अब देखो क्या हुआ, दैट डेवलपमेंट्स स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप, चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950 एंड दस रिमूव्ड अ हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू कंट्रीज. अब देखो बफर स्टेट, अब देखो ये बफर वर्ड याद रखना, बफर स्टेट किसको बोलते हैं, एक ऐसी टेरिटरी जो बड़ी, दो बड़ी पावर के बीच में एग्जिस्ट करती है. जैसे आप तिब्बत को कंसिडर करोगे, इंडिया और चाइना के बीच में एग्जिस्ट करता है, राइट? तो वही बफर, कि अब देखो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप थे वो कब खराब हुए, जब चाइना ने एनेक्स करने की कोशिश की तिब्बत को 1950 में, और वो क्या था, एक बफर स्टेट था इंडिया और चाइना के बीच में. इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली. हम लोगों ने पूरा कंटेक्स्ट स्टडी कर लिया ना, कि इनिशियली हम लोगों ने इसको अपोज नहीं किया, ऑल दो वी वर इन द फेवर दैट द ऑटोनोमस एरिया शुड बी ऑटोनोमस,
एनी बिग कंट्री दे शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल इट. इसीलिए हम लोगों ने इसको स्ट्रांगली अपोज भी नहीं किया, ओपनली अपोज भी नहीं किया, है ना. बट हमने क्या पढ़ा, फिर 1958 और 1959 में पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. बट एज मोर इन्फॉर्मेशन केम इन अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर द इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनइजी. इसीलिए देखो जब हमने पढ़ा था कि जब 1956 में ट्रैवल करने आए थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर आए दलाई लामा, उन्होंने क्या करवाया, अवेयर करवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिगार्डिंग द एक्चुअल पोजिशन ऑफ तिब्बत. अब क्या हुआ कि हमें क्या पता चला कि जो तिब्बत की पोजिशन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, एंड चाइनीज पीपल दे आर ट्राइंग टू सप्रेस तिब्बत कल्चर, एंड दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनइजी. क्योंकि हम हमेशा से उन कंट्रीज को सपोर्ट करते आए हैं, दोज हु वर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, दोज हु वर फाइटिंग फॉर देयर ऑटोनॉमी, राइट. सो द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सोट एंड ऑप्टेन पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया इन 1959. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली कि जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, बिकॉज ही शोड, ही टोल्ड इंडियन पीपल दैट ही इज नॉट सेफ देयर, दैट्स वाई ही क्रॉस द बॉर्डर एंड केम इन इंडिया. और उसके बाद ही आस्क्ड फॉर असाइलम फ्रॉम इंडियन लीडर्स एंड दैट वॉज एक्सेप्टेड ऑल्सो. हमने पढ़ा था कि धर्मशाला दैट इज वर्किंग एज इज होम, राइट. तो उन्होंने क्या किया, शेल्टर ले लिया 1959 में. अब इसके बाद फिर क्या हुआ, चाइना अलेग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अलोइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया. अब चाइना को क्या लगा, चाइना को लगा कि इंडियन पीपल क्या कर रहे हैं, इंडियन पीपल एंटी चाइनीज मूवमेंट को, एंटी चाइनीज एलिमेंट को इंडिया में शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट. मतलब चाइनीज पीपल को क्या फील, क्या होना शुरू हो गया कि नाउ इंडिया, बिकॉज इंडिया डायरेक्टली हेल्पिंग देयर एनिमीज, दैट वाज द सेंटिमेंट ऑफ चाइना. क्योंकि देखो चाइना ने ऑटोनॉमी को कैप्चर किया तिब्बत की, अब तिब्बत क्या कर रहा था, तिब्बत वाज ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट. इसीलिए अब जब तिब्बत ऑटोनॉमी गेन करने की कोशिश कर रहा था तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, अब उसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि चाइना ने अपनी मिलिट्री की वजह से उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया. बट नाउ द पीपल दे वर ट्राइंग टू बी ऑटोनॉमी, दे वर ट्राइंग टू गेट ऑटोनॉमी, दे वर ट्राइंग टू बी ऑटोनॉमस, राइट. इसीलिए अब क्या हुआ, इसीलिए जब उन लोगों ने इसको अपोज किया तो अब चाइना ने भी क्या कर लिया, उसको स्ट्रॉन्गली सप्रेस करने की कोशिश की. और इसीलिए जो तिब्बतन पीपल थे उन्होंने शेल्टर लेने की कोशिश की आसपास की कंट्रीज में, जैसे इंडिया में. तो आपने किसका कंटेक्स्ट स्टडी किया, आपने दलाई लामा का कंटेक्स्ट स्टडी किया कि दलाई लामा ने इंडिया में शेल्टर लेने की कोशिश की. बट अकॉर्डिंग टू चाइनीज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू गिव शेल्टर टू एंटी चाइनीज एलिमेंट्स, वी आर ट्राइंग टू हेल्प द एनिमीज ऑफ द चाइना. इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए चाइना और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और चाइना को लगा कि इंडिया हमारे पाथ में हर्डल बन के खड़ा हुआ है. अ लिटिल अर्लियर अ बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सफर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया क्लेम दैट द बाउंड्री वॉज अ मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम, बट चाइना सेड दैट द कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई. अब देखो फिर क्या हुआ, हमारे बीच में भी डिस्प्यूट्स अराइज हो गए. हमारे बीच में देखो हमने क्या पढ़ा था कि देयर वॉज दैट काइंड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट दैट वी विल नॉट अटैक ओवर ईच अदर टेरिटरी. इसीलिए हम लोगों ने वहां पर मिलिट्री भी इंप्लीमेंट नहीं की थी, मिलिट्री भी वहां पर अपॉइंट नहीं की थी. बट हमारे बीच में भी रिलेशनशिप कैसे होने शुरू हो गए, खराब होने शुरू हो गए. क्यों, क्योंकि हमारे बीच में भी मिलिट्री, हमारे बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए. और क्यों होने शुरू हो गए, क्योंकि देखो कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी जो कोलोनियल टाइम पीरियड में हमारी कंट्री की ऑलरेडी डिजाइन थी कि ये पार्ट इंडिया का पार्ट है. और उसके बाद फिर क्या हुआ, बट चाइना सेड दैट एनी कोलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई. लेकिन चाइना ने उन टेरिटोरियल बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि वो अब उसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, ये जो टेरिटरी बनी है ये कॉलोनियल टाइम पीरियड में बनी है, इसलिए अब हम उस डिसीजन को एक्सेप्टेंस ही नहीं देते हैं. अब फिर क्या था, जो मेन रीजन था, मेन डिस्प्यूट था, वो क्या था, द मेन डिस्प्यूट वॉज अबाउट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर. जो हमारा लॉन्ग बॉर्डर है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट पे अगर आप देखते हो, वो लॉन्ग बॉर्डर जो था वो हमारे डिस्प्यूट का रीजन बन गया. और चाइना ने क्या बोला, चाइना क्लेम टू एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश इन व्हाट वाज देन कॉल्ड NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. अब देखो चाइना ने हमारे साथ रिलेशन खराब करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया. चाइना को देखो मतलब क्या क्या करना था उसको, बिकॉज वी हैव गिवन शेल्टर टू दलाई लामा और वो डायरेक्टली हम पर इम्पैक्ट, डायरेक्टली अटैक कर ही नहीं सकते थे.
तो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते थे. सो नाउ चाइनीज लीडर दे वर ट्राइंग टू फाइंड दैट इन विच मैनर दे कैन अटैक ओवर इंडिया. वो कौन सा पाथ है जिसको फाइंड आउट करके वो इंडिया पे कहीं ना कहीं अटैक करने के लिए पाथ बना सकते हैं. इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, इसीलिए अब उन लोगों ने दिखाया कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं. और बाउंड्री डिस्प्यूट्स, अब देखो अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे शुड हैव टोल्ड अस कि हम कॉलोनियल वाली चीजों को मानेंगे ही नहीं. बट फिर बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो बाउंड्रीज है ना, ये बाउंड्रीज आपके कॉलोनियल टाइम पीरियड में बनी है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. और फिर क्या हुआ, उन्होंने हमारे पार्ट्स को, देखो कौन कौन से पार्ट को, अक्साई चीन जो किसका पार्ट है, लद्दाख का, उसको बोला कि वो चाइना का पार्ट है. और सेकंड बोले जो हमारा कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश है उसको क्या बोला, दैट इज ऑल्सो द टेरिटरी ऑफ चाइना. और जिसको उस टाइम पे क्या बोला जाता था, NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. इन दो टेरिटरीज पर चाइना ने क्या शो किया, चाइना ने अपना कंट्रोल शो किया कि ये पार्ट इंडिया का नहीं है बल्कि ये किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट है. सो बिटवीन 1957-1959 द चाइनीज ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन एरिया एंड बिल्ट अ स्ट्रैटेजिक रोड देयर. और फाइनली क्या कर दिया, 1957 और 1959 में उन्होंने चाइना ने कंट्रोल भी कर लिया, ऑक्यूपाई भी कर लिया अक्साई चीन वाले एरिया को और एक स्ट्रैटेजिक रोड बना दिया, है ना, ओबोर आप लोगों ने सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड, राइट. तो उन लोगों ने वो रोड भी कंस्ट्रक्ट करवा दिया, स्ट्रैटेजिक रोड भी बनवा दिया. Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. Several small borders, skirmishes between the armies of the two countries took place. अब देखो फिर क्या हुआ, अब हम लोगों ने क्या करने की कोशिश की, disputes को settle down करने की कोशिश की. Leaders ने क्या किया, discussion करने की कोशिश की. But even then there was not any that common point on which both of the countries' leader they could be agree. तो मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने कोशिश की बट इवन देन वी वर नॉट एबल टू रिजोल्व द डिफरेंसेस. और फिर क्या हुआ, इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो हमारी कंट्रीज में स्मॉलर बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे ना, दोनों की दोनों कंट्रीज में क्या होना शुरू हो गया, छोटे मोटे अटैक्स होने शुरू हो गए, राइट. अब फिर क्या हुआ, डू यू रिमेंबर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन चैप्टर वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप कोल्ड वॉर चैप्टर में आपका गिवन है, ये क्या था, ये वो इंसिडेंट था 1962 में जब कोल्ड वॉर बिल्कुल पीक पे चला गया था. वी हैव अंडरस्टूड ना कि कोल्ड वॉर क्या था, जब हमने पूरा स्टडी किया कि दो बड़ी बड़ी मिलिट्री अलायंस से क्यों इंडिया स्टे रहने की कोशिश कर रहा था, स्टे अवे रहने की कोशिश कर रहा था, राइट. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली 1962 का वो पीक था जब ऐसा फील हुआ पूरे के पूरे वर्ल्ड को दैट दिस इज द टाइम व्हेन कोल्ड वॉर इज गोइंग टू बी चेंज, कोल्ड वॉर इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू रियल वॉर, राइट. अब उसके बाद फिर क्या था कि अब इन दिस, तो आप इतना याद रखना कि बेसिकली इस पे क्यूबा वाली पार्ट में एक टाइप से ना मिसाइल्स मतलब तैनात हो गई थी कि अब किसी भी टाइम अटैक हो जाएगा, ये पोजीशन थी उस टाइम पे. सो अब देखो, व्हाइल द एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन वाज ऑन द क्राइसिस इन्वॉल्विंग द टू सुपर पावर, चाइना लॉन्च्ड अ स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962 ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन. अब देखो वर्ल्ड में सिनेरियो कुछ और चल रहा था, वर्ल्ड में उस टाइम पे क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चला हुआ था और कोल्ड वॉर का भी बिल्कुल पीक चला हुआ था, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबा मिसाइल क्राइसिस. अब पूरे के पूरे वर्ल्ड का फोकस कहां था, पूरे के पूरे वर्ल्ड का फोकस था क्यूबा के ऊपर. क्यों, बिकॉज दैट वॉज द सेंटर एंड कोल्ड वॉर वॉज एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए पूरे के पूरे वर्ल्ड का जब अटेंशन कहां था, क्यूबा के ऊपर था, कोल्ड वॉर के ऊपर था, तो उस टाइम पे चाइना ने क्या कर लिया, चाइना ने उस सिचुएशन का एडवांटेज ले लिया. और चाइना ने क्या किया, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी हमारे टू पार्ट्स पे, अक्साई चीन वाले पार्ट पे और अरुणाचल प्रदेश पे अपनी कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑटोनॉमी वहां पे ऑलरेडी क्लेम कर दी थी, तो उसने क्या बोला कि ये दो पार्ट मेरे हैं और उन दो पार्ट्स को गेन करने के लिए, डिस्प्यूटेड रीजंस को कैप्चर करने के लिए 1962 अक्टूबर 1962 में उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया. उसके बाद फिर क्या हुआ, द फर्स्ट अटैक के बाद, द फर्स्ट अटैक लास्टेड वन वीक एंड चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश. जो फर्स्ट अटैक चला वो वन वीक तक चला और चाइना किस में, क्योंकि देखो चाइना की मिलिट्री नो डाउट है ना, उस टाइम पे हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थे, हम लोगों ने तो अभी इंडिपेंडेंसी गेन की थी, तो पार्टीशन हो गया था. उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमारा ट्रस्ट था कि चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, राइट. सो हम उतने रेडी भी नहीं थे अटैक के लिए,
इसीलिए क्या हुआ, चाइना वॉज एबल टू कंट्रोल सम पार्ट्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. उसके बाद द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर में फिर से सेकेंड वेव आई. When the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, अब फिर क्या हुआ, जब Indian forces क्या कर सकी थी, उन्होंने block कर दिया Chinese advances को western front पे लद्दाख के. मतलब यहां हमारी military ने कुछ work किया, positively work किया. In the east, the Chinese managed to advance nearly to the point of Assam plains. लेकिन ईस्ट पार्ट में देखो, वेस्ट में कहीं ना कहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन ईस्ट में क्या हो रहा है, आसाम प्लेन तक चाइना की आर्मी कहीं ना कहीं हमसे एडवांस हो रही है. फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल केस फायर एंड इट्स ट्रूप्स विथड्रॉ टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगेन. लेकिन अब देखो चाइना को क्या लगा कि अब ना प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने वाली हैं, इसीलिए उसने क्या बोला कि अब ना हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे, विड्रॉ करेंगे ट्रूप्स को, और वो जहां थे इन्वेजन से पहले थे, मतलब वो टेरिटरी एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो उनकी टेरिटरी है. मतलब ये भी क्या थी, चाइना की डिप्लोमेसी थी, राइट. लेकिन अब देखो फिर क्या हुआ कि ये जो वॉर था उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी पोजीशन तो खराब हुई. हमारी पोजीशन क्यों खराब हुई, क्योंकि इस वॉर ने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये दिखाया कि हमारी पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, है ना. अभी तक तो देखो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, बिकॉज ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वी वर नॉट हैविंग दैट मच रिसोर्सेज, बट ओवर इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स, ओवर इंटरनेशनल मैप वी वर एबल टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ एज अ यू कैन से सेपरेट नेशन, राइट. विदाउट दैट मच ऑफ रिसोर्सेज वी वर एबल टू मेक आर इमेज, है ना. तो इस पोजिशन ने क्या कर दिया, इस पोजिशन ने यह दिखा दिया, इस वॉर ने दिखा दिया कि हमारी पोजिशन इतनी ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है. और चाइना ने क्या दिखा दिया कि भाई, चाइना ने यह दिखा दिया कि मैं वॉर से पीछे हटाऊं तो मैंने क्या किया, एज अ बिग ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने फुलफिल की है. मतलब मैं पहले वॉर से पीछे हट गया बिकॉज आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट. इसलिए अब चाइना ने वर्ल्ड लेवल पे खुद को यह दिखाने की कोशिश की दैट आई एम फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ पीस ऑल्सो. अब फिर क्या हुआ, द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एट अब्रॉड. इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस. और हम उतनी ज्यादा स्ट्रांग पोजिशन में है ही नहीं, लेकिन इस वॉर ने हमें क्या कर दिया, कहीं ना कहीं हमारी पोजिशन को ना डेंटेड कर दिया, उसके ऊपर डेंट लगा दिया. क्यों, बिकॉज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि ये जो टाइम पीरियड है 1962 तक का, हम इतने ज्यादा स्ट्रांग है ही नहीं. जब हम लोग ग्रेन दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं तो हाउ कैन यू थिंक हम मिलिट्री एस्पेक्ट में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, है ना. इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, देखो एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहे हैं दैट वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मिलिट्री अलायंस. हम नाटो का पार्ट नहीं बनेंगे, हम वॉरसॉ पैक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, हम किसी बड़ी मिलिट्री कैंप के साथ नहीं जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे. बट इवन देन फिर क्या हो गया, इवन देन ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया तो देखो हमें अमेरिकन लोगों से हेल्प मांगने की जरूरत पड़ रही है. और देखो एंड द ब्रिटिश जिन्होंने हमें कैप्चर करके रखा, जिससे इतने बड़े फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हम लोगों ने इंडिपेंडेंस गेन की, वी हैड टू अप्रोच बोथ ऑफ द कंट्रीज इस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए. और देखो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि क्योंकि चाइना और रशिया दे वर फॉलोइंग द सिमिलर आइडियोलॉजी, इसलिए यहां पर रशिया हमारी हेल्प नहीं करेगा. क्यों हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज रशिया हैज टोल्ड दैट इफ इंडिया इज अर फ्रेंड देन चाइना इज अर ब्रदर, तो हम इंडिया की हेल्प नहीं कर सकते. इसीलिए सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट. अब ये क्या रहा, ये कन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहा, है ना. लेकिन इसका एडवांटेज कौन लेगा, इसका एडवांटेज अमेरिका लेगा. और हालांकि ये कहीं ना पॉजिटिव एस्पेक्ट था नैम की पॉलिसी का, क्योंकि देखो हमें रशिया हेल्प नहीं कर रहा है, तो रशिया हेल्प नहीं कर रहा है तो नाउ यूएसए विल टेक इट एज अ एडवांटेज, है ना, टू हेल्प द कंट्री, ताकि वो क्या कर सके, इंडिया पर अपना कंट्रोल कहीं ना कहीं शो कर सके. इसीलिए क्या हुआ, सोवियत यूनियन इस वॉर में कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो गया. इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. हालांकि इसने क्या किया, हमारी कंट्री में जो नेशनल ह्यूमिलिएट वाली फीलिंग होती है ना, वो एक फीलिंग आई हम लोगों के अंदर कि देखो जिन कंट्री ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया, हम जिस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना चाह रहे, हमें फाइनली उन्हीं की हेल्प लेनी पड़ रही है. तो इसने क्या किया, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करवाया. बट इवन देन इसने क्या किया, जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है ना, उसको सेम टाइम पे स्ट्रांग भी किया, स्ट्रेंथनिंग भी किया, उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाई. सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स ईदर रिजाइन और वर रिटायर्ड. अब देखो ये कंटेक्स्ट आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, वी के कृष्णा मेनन,
अब इन्होंने क्या किया, ही थॉट बिकॉज आई वॉज द डिफेंस मिनिस्टर एंड आई वॉज नॉट एबल टू एंश्योर द विक्ट्री ऑफ इंडिया एंड दैट्स वाई आई टेक इट एज माई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई रिजाइन फ्रॉम माई ऑल अथॉरिटीज, है ना। तो मतलब इसने नेशनलिज्म की फीलिंग को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि जो लीडर्स थे, हमारी कंट्री के इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने फील किया कि ये दैट येस ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वर नॉट एबल टू फुलफिल आवर ऑल द ड्यूटीज, और इसीलिए हमारी कंट्री में क्या हुआ, इसीलिए बहुत सारे कमांडर्स ने, कुछ लीडर्स ने अपने पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया और या फिर वो रिटायर हो गए। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड द देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन हैड टू लिव द कैबिनेट। अब ये कंटेक्स्ट आपने ऊपर ही पढ़ लिया, इतनी इंपॉर्टेंट पोजिशन होने के बाद भी उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। एंड दिस इज शोइंग दैट इन इंडिया वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, जहां पर पीपल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करते हैं, राइट। नेहरू ऑन स्टेट सफर्ड एज ही वॉज सेवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज नेव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशन एंड द लैक ऑफ मिलिट्री प्रीपेयर्डनेस। अब इस पोजिशन में ना, अभी तक देखो आप लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट दिस इज द फोर्थ चैप्टर एंड अगेन वी आर रीडिंग अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू, वॉज या सुपर हीरो, पढ़ा था हमने कंटेक्स्ट। लेकिन यहां जब 1962 में वॉर हो गया तो इस वॉर ने क्या कर दिया, इस वॉर ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, इस वॉर ने जो नेहरू की इमेज बनी हुई थी उस इमेज को कहीं ना कहीं खराब कर दिया। क्यों खराब किया, क्योंकि इस पर्टिकुलर वॉर ने क्या दिखा दिया हमें कि हमारे लीडर्स के अंदर ना वो वाली कैपेसिटी नहीं है, हमारे लीडर्स की असेसमेंट पावर दैट इज समथिंग वीक। वो क्यों वीक है, क्योंकि हम असेसमेंट कर ही नहीं पाए कि चाइना हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, हम उनके इंटेंशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और इसके साथ साथ क्या बता दिया कि हमारी कंट्री की मिलिट्री की प्रिपरेशन कितनी है, अगर कोई अटैक करेगा तो हमारी कंट्री को इजीली वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर विक्ट्री गेन कर सकते हैं। सो इन सारी चीजों ने क्या दिखा दिया, इन सारी चीजों ने हमें ये बता दिया कि हमें मिलिट्री को अभी बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि मिलिट्री की प्रिपेयरनेस में अभी बहुत ज्यादा लैक है, और उसके अलावा हमारे लीडर्स को भी ज्यादा अटेंटिव होने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी असेसमेंट की पावर कहीं ना कहीं वीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट, वी वर नॉट एबल टू एनालाइज, वी वर नॉट एबल टू इवैल्यूएट दैट वी वर नॉट एबल टू इवैल्यूएट एंड एनालाइज द इंटेंशंस ऑफ द चाइनीज पीपल, राइट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वॉज मूव्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यानी हमने वन पार्टी डोमिनेंस एरा भी पढ़ा था ना, कि एक तो वो टाइम पीरियड था जब कांग्रेस का ऐसा टाइम था दैट दे वर हैविंग कंट्रोल ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, बट अब ये टाइम पीरियड है जहां उन नेशनल लीडर की कैपेबिलिटी पर, उनके कैलिबर पर क्वेश्चनिंग हो रही है कि वो असेसमेंट क्यों नहीं लगा पाए, चाइनीज इंटेंशन को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। इसके लिए फिर क्या हुआ, ये बोला गया कि लोकसभा में इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ सो दैट वी कैन रिमूव द गवर्नमेंट। मतलब यहां तक नौ बता गई आफ्टर द 1962 इंडो चाइना वॉर। सून देयर आफ्टर द कांग्रेस लॉस्ट सम की बाय इलेक्शंस कौन से होते हैं, आप लोगों ने इलेक्शंस का टाइप स्टडी किए होंगे, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस। बाय जनरल तो वैसे कौन से होते हैं, जब 5 years के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, मिड टर्म जब गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, लेकिन बाय इलेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन सम सीट्स और पर्टिकुलर एनी सीट इज वैकेंट Because of the death, because of the resignation, है ना। तो हमने देखो क्या पढ़ा, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने रिजाइन कर दिया था। रिजाइन क्यों किया था, बिकॉज दे थॉट दैट इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ आवर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी वर नॉट एबल टू सेफ गार्ड द पोजिशन ऑफ आवर कंट्री, इसीलिए उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। अब जब रिजाइन किया तो मतलब क्या है, दैट सीट विल बी वैकेंट। अगर वो सीट वैकेंट है तो हमारी कंट्री में क्या होता है, बाय इलेक्शंस होते हैं उस सीट की वैकेंसी को फिल करने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब प्रॉब्लम यह हुई कि जहां पर की बाय इलेक्शंस हो रहे थे ना, वहां पर अब लोगों को क्या फील होना शुरू हो गया कि कांग्रेस जो है वो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, इसीलिए बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द इंडो चाइना वॉर बहुत सारे बाय इलेक्शंस में डिफीट हो गई कांग्रेस पार्टी की, राइट। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज, और हमारी कंट्री का पॉलिटिकल जो मूड था वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे 1967 में एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस लूज होने लगता है और कांग्रेस कई एरियाज में अपने डोमिनेंस को लूज करेगी, राइट। सो आई हैड
I heard it from my grandfather. Nehru ji cried in public when Lata Mangeshkar sang "Ae Mere Watan Ke Logo" after the 1962 war. क्योंकि इतनी ज़्यादा large scale पे you can say mass killing हुई, इतने ज़्यादा लोगों की जान गई. We have lost the lives of lot of the people in our country. A lot of soldiers lost their lives, right? So ये उसी के regarding आपको given है. सो अब इस इंडो चाइना वॉर का जो बेसिकली इम्पैक्ट हुआ, वो क्या इम्पैक्ट हुआ कि उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं हम लोग एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, आफ्टर बीइंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री विदाउट रिसोर्सेज, जो हम हमारी इमेज बनाए हुए थे बिकॉज ऑफ द नैम पॉलिसी, है ना, उस इमेज को कहीं ना कहीं डेंट लग गया. और उस इमेज के साथ साथ जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, जिनको हम शुरू से क्या मानते आए थे, दे आर वेरी क्रेडिबल, है ना, दे आर हैविंग फार विजन, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एवरी सिचुएशन, they are able to tackle each and everything, they are able to take decision in any kind of position, right? तो अब कहीं ना कहीं उनकी जो capabilities थी उसके ऊपर questioning होना शुरू हो गया. और इसका result कहाँ दिखा हमें, इसका result हमें वहाँ दिखा कि जब Congress party most of the by-elections defeat कर गई, right? और ये किसका impact था, ये भी impact था किसका, हमारी country पे Indo-China war of 1962. तो मतलब क्या समझ आया कि जो चाइना ने कहीं ना कहीं, देखो चाइना ने क्या करने की कोशिश की, हमारे ही पार्ट पे कैप्चर किया, है ना. पहले तो उन्होंने अटैक क्यों किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम एंटी चाइनीज एलिमेंट्स को हेल्प करें हमारी कंट्री में. फिर जब उनको वॉर करने के लिए कोई मेथड नहीं मिला, कोई पॉइंट नहीं मिला, फिर उन्होंने क्या बोला कि हमारे ना कुछ टेरिटरी हैं जो चाइना का पार्ट है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर द पार्ट ऑफ चाइना. वो पार्ट कौन से थे, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश. तो अब हम इनको वापस लेने के लिए क्या करेंगे, ट्राई करेंगे. और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, 1962 में हमारे ऊपर एक टाइप से क्या कर दिया, अटैक कर दिया. और देखो अटैक करने के लिए टाइम पीरियड कितना बेटर चूज किया उन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब पूरा का पूरा वर्ल्ड बिजी था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, कोल्ड वॉर के ऊपर फोकस्ड था, तो उस टाइम पे क्या कर दिया, उस टाइम पे उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया. और उस टाइम पे जो अटैक करने का मतलब था, व्हाट वाज दैट, कि पूरा का पूरा वर्ल्ड होगा बिजी कहां पे, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में, कोई इंडिया की हेल्प भी नहीं करने आएगा, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर तो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं फॉर देयर आइडियोलॉजीज, इसलिए अब कोई हेल्प भी नहीं करेगा, राइट. और हमारी पोजिशन क्या हुई, हमारी पोजिशन ऐसी हुई कि जिन कंट्रीज के अगेंस्ट हम लोगों ने फाइट की है, जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोगों ने इंडिपेंडेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल फाइट किया, अब हमें उनसे ही हेल्प मांगनी पड़ रही है, यूएसए से हेल्प मांगनी पड़ रही है, रशिया में हेल्प नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रशिया वॉज न्यूट्रल एट दैट टाइम, राइट. लेकिन इस पोजीशन ने क्या शो कर दिया, इस पोजीशन ने कहीं ना कहीं हमें यह शो किया कि हमारे जो लीडर्स हैं उनमें लैक है कहीं ना कहीं फार विजन की, एंड दे आर नॉट एबल टू एनालाइज द इंटेंशन ऑफ द चाइनीज पीपल, एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू ट्रेन आवर आर्मी. हमारी मिलिट्री भी कहीं ना कहीं फुली प्रिपेयर नहीं है आने वाले अटैक्स के लिए. और फिर उसके बाद चाइना ने क्या किया, खुद ही वॉर से पीछे भी हट गया. मतलब वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, दैट आई एम बिग ब्रदर, क्योंकि इंडिया ने हमारे पार्ट पे कंट्रोल किया हुआ है, हम अपने पार्ट को लेना चाह रहे, बट इवन देन हम वॉर से पीछे हट रहे हैं. इट मींस ऑन इंटरनेशनल लेवल इट वॉज ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स इमेज ऑल्सो. सो दिस वॉज द होल कंटेक्स्ट ऑफ इंडो चाइना वॉर 1962. आई होप दिस कंप्लीट इंस्टेंस इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section. In next part that we are going to study ki uske baad hamare aur countries ke sath relation kaise ho rahe hain, right? That we will discuss in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.